हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या फ्लेवर जंक्शन। तो आज हम संडे स्पेशल में लेकर आए हैं ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जिसका नाम है चीज़ी पटैटो रोल्स। हमने इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया है जिसको बच्चे और बड़े बहुत इंजॉय करके खा सकते हैं इस संडे में, और ये बरसातों के टाइम में तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। आप इसको ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर कभी भी खा सकते हैं। और मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि ये कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, अंदर से एकदम क्रिस्पी है और अच्छे से इसमें पोटैटो भरा हुआ है। तो हम इसको बनाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है केचप के संग खाने में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलकर हम इस रेसिपी को बनाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है ये 250 ग्राम मैदा। इसको मैंने मैदे को ले लिया है और इसको मैंने इस बर्तन में डालकर इसका हम एक अच्छा सा स्मूथ डो बनाएंगे। इसके अंदर हम डाल लेंगे ये 1 चम्मच अजवाइन। इसको हाथ से ऐसे हल्का सा क्रश कर लेंगे हम, और इसमें हम मिला देंगे इसको। इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। और इसके साथ में हम डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल। इससे ये क्रिस्पी बनेंगे और जो अंदर तक ये सिक जाएंगे, खस्ता बनेंगे। हम इसमें खाने का सोडा वगैरह हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर ऑयल है तो ये इसी से खस्ता बन जाएंगे। बस ऑयल को और जो भी हमने नमक इसमें डाला है वो सब इसमें अच्छे से मिल जाए। तो इसके लिए हाथ से इसको ऐसे मसल लेंगे ताकि इसका एक अच्छा डो बन पाए। अब देखिए, ये अच्छे से ऑयल मैदे के अंदर मिल चुका है। अब हम इसको ऐसे मुट्ठी में बांध कर देखेंगे, ये बंध रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसका हम पानी डाल के डो बनाएंगे। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि एकदम ये पतला ना हो जाए। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं बिल्कुल सेम हमें वैसे ही लगाना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ डो हम बना लेंगे, जैसे पूड़ी और रोटी के लिए हम बनाते हैं। तो ये बनके एकदम तैयार हो चुका है हमारा अच्छा सा स्मूथ डो। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। तो हमने इसको बहुत टाइट नहीं रखना और बहुत स्मूथ नहीं रखना, बहुत पतला नहीं रखना। बस इसमें हल्का सा ऑयल हाथ में लगा करके इसको ऐसे कवर कर देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से हमारा डो तैयार हो जाए। और मैंने जो 1 गिलास पानी लिया था उसमें से ये पानी इतना बच चुका है, तो इसमें 1 गिलास पानी भी हमारा पूरा नहीं लगा है। तो इसी तरह से हमने इसका डो बनाना है। इसी के साथ में मैंने ले लिया है ये 3 बॉइल्ड पोटैटोज़। ये बिल्कुल मैंने ठंडे कर लिए हैं और इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। तो आलू को हमने इसलिए ग्रेटर में ग्रेट कर रहे हैं ताकि आलू जो है अच्छे से स्मूथ हो जाए, इसके बिल्कुल भी मोटे गुठलियां ना रहें। तो ये ग्रेट अच्छे से हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। इसके अंदर हम डालेंगे पहले तो 1/2 कटोरी ये कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब हम इसका डो बनाएंगे तो ये फूटेगा नहीं आलू। इसके अंदर मैंने 1/2 कटोरी ये कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। इसी के साथ में हम इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा मैंने फ्रेश हरा धनिया बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली है। इसी के साथ में मैंने ये एक छोटी सी प्याज को भी बारीक काट लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इनको। इसी के साथ में हम ये 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है और देखने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये 1/2 स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। ये 1/2 स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, क्योंकि हरी मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर, तो मिर्च हम कम ही डाल के चलेंगे। इसके साथ में मेरे पास ये चीज़ के कुछ क्यूब थी तो ये मैंने इसके अंदर ग्रेट कर ली हैं।
तो इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, और बच्चों को वैसे भी चीज़ बहुत पसंद है तो उनको अच्छा लगेगा खाने में। इसलिए हमने इसका नाम दिया है चीज़ी पोटैटो रोल्स, क्योंकि हम इसके रोल बनाएंगे। बस अब इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं हम, और इसका भी एक अच्छा सा डो हमने बनाना है। इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छा सा इसका एक डो बना लेंगे, जैसे हमने मैदे का डो बनाया है उसी तरह से। तो इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे ताकि सारे मसाले और आलू चीज़ सब अच्छे से मिल जाएं। तो ये अच्छे से डो इसका बन के तैयार हो चुका है। तो ये हाथों में मेरी चिपक गया है क्योंकि कॉर्नफ्लावर इसमें मैंने डाला है, तो मैं हाथों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर हम इसको आगे बनाते हैं। तो मैंने अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं, अब मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया है, और इस तरह से अब हम इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलिंड्रिकल शेप दे देंगे हाथ से हल्का सा ऐसे घुमा के, फिंगर्स के साथ में हमने इसको अच्छे से शेप दे दी है। इसी तरह से हम सारे डोसे इस तरह से शेप दे कर के सिलिंड्रिकल हम इनको बना लेंगे इस तरह से। मैं ये सारे बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये सारे बनके मेरे तैयार हो चुके हैं, तो अब इनको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं ताकि इनमें हवा लग जाए। और मैंने ये एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ सा हम घोल बना लेंगे। इस तरह से हम इस घोल को बना लेंगे। हमने ये बहुत गाढ़ा नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, इस तरह से हमने ये घोल को तैयार करना है। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए बस, बहुत पतला हमने घोल को नहीं रखना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा जो है अच्छे से सेट हो चुका है, इसको इस तरह से थोड़ा सा और मसल लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा और मसल लेंगे ताकि ये जो इसका हम जब रोटी बेलें तो ये अच्छे से स्मूथ इसकी क्रिस्पी बन पाए। तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो बस हमने कुछ नहीं करना, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं और रोटी के लिए लोई बनाते हैं, हम इसी तरह से इसको बना लेते हैं। और इसको हम बेल लेंगे, और इसको जो हमने बड़ा पार्ट इसका रखा है उसको हम ढक के रख देंगे। तो अब हम इसको बेल लेंगे इस तरह से। बस जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं हमने उसी तरह से इसको बेलना है, बस इसको लंबा बेलना है और बहुत हमने इसको मोटा नहीं रखना। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो ये बेल के हमारी तैयार हो चुकी है रोटी। मैं इसका दिखाती हूँ आपको कि ये अभी इतनी मोटी है। तो अब हम इसको काट लेते हैं, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बारीक रखना है, बिल्कुल पतला रखना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मोटी होगी तो हमारे जो रोल हैं वो बहुत मोटे बनेंगे। तो हमने इसका बस ये ध्यान रखना है कि हमने इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा पार्ट्स में काट लेते हैं ताकि हम इनको रोल बना सकें पोटैटोस के संग। इस तरह से मैं इसको काट लेती हूँ, और मैंने इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसमें जो हमने आलू का रोल बनाया था वो हम इसके अंदर लगाएंगे इस तरह से, और बाकी के जो हमने ये काटे हुए हैं ये हम साइड कर लेते हैं इस तरह, ताकि हम इनके रोल अच्छे से बना पाएं। इनको अभी हम साइड कर लेते हैं, और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और अगर हमारे को ये छोटा लग रहा है तो इसको हाथ से ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, और चाहें अगर हमारे को ये मोटा लगता है तो हम थोड़ा सा इसको इस टाइम पर बेल भी सकते हैं ताकि अच्छे से ये सीख जाए अंदर से। इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया है, और साइड के जो कोने बचेंगे इसमें जो हमने ये मैदे का घोल जो बना रखा है हम इसको लगा देंगे इस तरह से, और इसको चिपका देंगे। ये एकदम फेविकॉल का तरह जो है यूज़ होता है और बिल्कुल एकदम चिपक जाता है, और इसे ये खुलता नहीं है। इसी तरह से अब दूसरा हम पार्ट लेंगे इसका। और मुझे ये थोड़ा मोटा लग रहा है तो मैं इसको बेलन से थोड़ा सा बेल लेती हूँ ताकि ये पतला हो जाए।
पतला होने का एक रीज़न ये भी है कि अच्छे से सीख जाएगा अंदर से ना मैदा जो है। अब इस तरह से हम इसका आलू को रोल को लगा देते हैं और इसका रोल बना लेते हैं इस तरह से, और साइड में हम जो है किनारे उन पर भी हम घोल को लगा देंगे इस तरह, और इसको चिपका देंगे। तो इसी तरह से हम सारे अपने रोल जो हैं पोटैटो रोल्स बना लेंगे, और पीछे से जो ये साइड इसकी खुल रही है इस तरह से हम इसको ऐसे दबा देंगे ताकि पीछे से ये खुली ना रहे, बंद हो जाए, ताकि इनके अंदर ऑयल ना जाए, बस ये पर्पस है इसका। और ऐसे हम इसको प्रेस कर देंगे हाथ से इस तरह से, और आगे से आलू को भी हम ऐसे दबा देंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए और तेल में जो आलू है वो फूटे नहीं हमारा। तो इसी तरह से हम सारे रोल बना लेते हैं अपने। तो ये सारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये एकदम तैयार हैं अब सिकने के लिए, ये एकदम तैयार हैं। अब हम इनको रख देते हैं थोड़ी सी हवा लगाने के लिए, और एक तरफ हम गैस पे बर्तन को चढ़ा देते हैं ताकि उसमें ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो बस तेल भी अच्छे से हमारा ये गर्म हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इनको इसके अंदर डाल देंगे रोल्स को अपने, और हमने ये बस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो ऑयल है वो बहुत तेज़ गर्म नहीं रखना, नहीं तो हमारे ये डालते के साथ में ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हल्का ठंडा कर लेना है उसको, तब डालना है। बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल हमारा, ये तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि अच्छे से ये इसके अंदर डिप हो जाए और सिकना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो बस हमने गैस को धीमा ही रखना है और ऑयल को इसके ऊपर हम डालते रहेंगे ताकि ये अंदर तक और ऊपर से भी अच्छे से सिकते रहें, और धीमी आँच में ही हम इनको पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अंदर तक सिक जाए। तो बस इस तरह से हम इनको चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। बस हमने ये ध्यान रखना है जो ये जॉइंट हैं इनके, इनको हम ऑयल की साइड रखेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाएं और क्रिस्प हो जाएं, और इसमें ज़्यादा चम्मच ना मारें ताकि खुल ना जाएं क्योंकि इसके अंदर चीज़ है। तो बस इनको आराम से धीमी धीमी आँच पे हम सिकने देते हैं। तो बस अब इनमें हल्का हल्का कलर आने लग गया है, इसी तरह से हम इनको चलाते रहते हैं 2 से 4 मिनट तक, और धीमी आँच पर हम इनको सेकेंगे। जब इनमें थोड़ा सा डार्क कलर इसका आना स्टार्ट होगा तब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। इस तरह से हम इनको पलटते रहेंगे। तो बस अब इनमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है, अब हम गैस को फुल कर देते हैं। तो ये अच्छा सा कलर हमारे ये रोल्स जो हैं ले चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो अब हम इनको छलनी में इस तरह से निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा निकल जाए। तो बस अब ये बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं क्रिस्पी क्रिस्पी रोल्स। तो बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे ये क्रिस्पी से चीज़ी पोटैटो रोल्स, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। इनको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप इसको हरी चटनी या केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में, कभी भी आप इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इनके अंदर का जो आलू है वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसको बनाकर ज़रूर से घर में ट्राई करिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी है, जैसे कि आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से एकदम अच्छे से ये सिका हुआ है, और आलू इसका बहुत ही टेस्टी है। आप इसको केचप के साथ खाइए, बहुत ही अमेजिंग लगता है ये खाने में, बहुत ही टेस्टी है ये बना। और आप इसको घर में ज़रूर बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए। तो मैं चलती हूँ आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियो लेकर आने के लिए, और एक और अच्छी सी नई रेसिपी लाने। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना, और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपके पास इसी तरह से आते रहें। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मैं आप चलती हूँ, ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।